शुरू में मैं दिल्ली में था ज्ञान जो मैंने दिल्ली से लिया उस टाइम हमारे लौकिक बहन जी ज्ञान में चलते थे उन्होंने ही मेरे को ज्ञान में चलाया पहले शुरू में माथुर जी की कोठी में प्रजापिता ब्रह्मा जी आए हुए थे तो मैं भी उनसे मिलने गया शाम के टाइम जैसे दुकान बंद करके मिलने गया उनसे तो नहीं मिले प्रोग्राम ख़त्म हो चुका था उन्होंने कहा कि बाद में आना फिर मैंने सोचा कि कोई गुरु जी आए होंगे या महात्मा जी आए होंगे तो वो मुझे मिल नहीं सके इस करके मैं निराश होकर आ गया फिर हमारे लौकिक बहन जी जाते थे सेंटर में तो उन्होंने मेरे को सेंटर में जाना शुरू किया जैसे मैंने जाना शुरू किया सत्ताईस मार्च उन्नीस में मैंने सेंटर में जाना शुरू किया तो जैसे सेंटर में गया तो एक माता ने मेरा परिचय पूछा पहले कि आप कहाँ से आए और कैसे आए तो उनको मैंने अपना परिचय दिया तो उन्होंने आत्मा और परमात्मा के बारे में समझाना शुरू किया तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ कोई भक्ति मार्ग की कोई सामग्री नहीं है ना ढोलकी है ना चिमटा है ना ज्योत है ना धूप अगरबत्ती है वगैरह तो मैंने सोचा कि यहाँ कोई गुरुजी आते होंगे अपना भाषण करके चले जाते होंगे तो जैसे उन्होंने कहा कि अभी क्लास का टाइम होने वाला है बहन जी तो आपको समझाएंगे। तो जैसे बहन जी आए मैंने कोई भी पहले ब्रह्मा कुमारी नहीं देखी थी सफ़ेद वस्त्रों में ना ही किसी को देखा था सफ़ेद वस्त्रों में बहन जी को किसी को भी तो जैसे बहन जी आए सफ़ेद वस्त्र में तो मातेश्री जी का साक्षात्कार हुआ मैंने नहीं देखे हुए थे मातेश्री जी भी तो जैसे मातेश्री जी का साक्षात्कार हुआ तो मैंने कहा जो पाना था सो पा लिया अब मुझे कुछ नहीं चाहिए उन्होंने कहा कि आप कल से ना लेसन लेना शुरू करना साढ़े सात बजे के बाद आना तो लेसन होंगे पहले सात आपके उसके बाद फिर आप क्लास में आएंगे तो पहले दिन जैसे बहन जी स्टेज पर बैठे और मैं नीचे बैठा तो आंखों में आंसू आंसू मुझे नहीं पता कि मैं क्या सुन रहा हूँ बेंजी बहन जी क्या बोल रहे हैं तो जैसे तीन लेसन पूरे हुए मुझे कुछ पता नहीं क्या उन्होंने सुनाया और मैंने क्या सुना तो जैसे तीन लेसन पूरे हुए तो उन्होंने कहा कि आप क्लास में आया करो तो एक ही परिवार से हम तीन जीजा जी मैं और हमारी लौकिक बहन जी आना शुरू किया तीन चार जीजा से पहले आते थे तो क्लास भी बढ़ गई तो जैसे क्लास बड़ी कुछ दिन के बाद एक प्रदर्शनी लगनी थी डी स्कूल में तो जैसे हमने सोचा कि तीन चार हम बहन भाई हैं कैसे हम प्रदर्शनी समझाएंगे उस टाइम चित्र भी चार पांच ही होते थे कलब वृक्ष का चित्र होता था त्रिमूर्ति का गोले का झाड़ का और जो है एक लक्ष्मी नारायण का श्री कृष्ण जी का तो ये चित्र होते थे ये जैसे हमने समझाने शुरू किए तो और भी बहन भाई आना शुरू हो गए अपनी संस्था के तो हमें भी हौसला हो गया कि हम थोड़े नहीं हम बहुत हैं उसके बाद तो प्रदर्शनी चलती रही तो शुरू में बाबा ने मधुबन से शिमला में कुछ बहन भाइयों को भेजा हुआ था प्रदर्शनी लगाने के लिए तो जैसे वो शिमला आए तो मैं भी शिमला आया हुआ था तो शिमला में जैसे वो प्रदर्शनी लगा के चले गए तो मैं फिर अकेला रह गया उधर मैं भी उनका सहयोगी बन गया था अकेला रह गया जैसे मैं अकेला रह गया तो जुलाई में मैं भी फिर दिल्ली आया तो दिल्ली में जैसे क्लास में जाना तो बहन जी ने बोलना शुरू करना कि आपको मधुबन चलना है मैंने कहा नहीं बहन जी अभी तो एक महीना मैं लगा के आया हूँ शिमला इसके बाद मैं नहीं जा सकता अभी जब भी क्लास में जाता हूँ बहन जी ने बोलना जरूर कि आपको मधुबन चलना हो लास्ट वाले दिन जिस दिन बहन जी ने जाना था तीन अगस्त उन्नीस को तो अपना खाना खा के आया जीजा जी का खाना लेके आया तो मन में सोचा कि अगर हाँ करेंगे तो मधुबन जाऊँगा ना करेंगे तो शिमला जाऊँगा फिर दिल्ली में नहीं रहूँगा तो जैसे जीजा जी ने हाँ की मैंने भी साइकिल उठाई साइकिल पर ही आया था साइकिल उठाई और वापस गया घर तो जैसे घर गया वापस तो जो कपड़े पहने हुए थे वो धुलाई किए दूसरे कपड़े और लिए तो गीले कपड़े लेके जो है स्टेशन गया दो रुपये पचास पैसे जेब में थे मैंने कहा अगर बहन जी मिल गए तब तो माउंट आबू जाऊंगा अगर नहीं मिले तो फिर वापस आऊंगा तो जैसे स्टेशन में पहुंचा तो बहन जी उधर इंतजार ही कर रहे थे पर उनको पता नहीं था कि पक्का कि आएंगे कि नहीं आएंगे तो जैसे मैं स्टेशन में पहुंचा बहन जी भी खुश हो गए उन्होंने ही टिकट लिया फिर तो उस टाइम पंद्रह रुपये दिल्ली से आबू रोड का टिकट लगता था तो बहन जी ने वो सारा खर्चा किया उसके बाद जैसे गाड़ी में बैठे तो गाड़ी पैसेंजर ट्रेन होती थी तो जिसमें हर कोई सवारी में बैठती थी भीड़ होती थी बहुत ज़्यादा क्योंकि रिजर्वेशन तो होती नहीं थी उस टाइम तो जैसे कोयले का इंजन होता था तो हाथ भी काले पैर भी काले कपड़े भी सारे धुएं से काले हो जाते थे तो जैसे आबू रोड पहुँचे दूसरे दिन तो जैसे आबू रोड में पहुँचते थे तो पहले अपने बस्ते चेंज करने नहाना उसके बाद जो खाना ले जाते थे साथ में वो खा के फिर साढ़े सात बजे एक बस जाती थी आबू रोड से माउंट आबू के लिए उस बस में बैठे हम तो जैसे माउंट आबू पहुँचे तो बाबा के पास एक बैलगाड़ी होती थी छोटा सा बैल और छोटी सी बैलगाड़ी उसी में हमने सामान रखा अपना तो मधुबन के तो मधुबन का मतलब है कि बहुत अच्छा बाग बगीचा होगा फूल हो गई होंगी और बहुत अच्छा रहन सहन होगा तो जैसे मधुबन पहुँचे तो जैसे कि आंगन भी कच्चा था और जैसे गांव में मकान होते वैसे सिर्फ हिस्ट्रेल जो नया बना था वो था पहले तो जैसे मैं आगे बढ़ा थोड़ा तो उधर विश्वरतन दादाजी खड़े थे उन्होंने मुझे बड़े प्यार से गले लगाया और बड़े प्यार किया तो मैंने कहा कि बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे लाडले बच्चे प्यारे बच्चे तो ये ब्रह्मा बाबा ही होंगे तो मैंने यही सोचा कि ये ब्रह्मा बाबा मेरे को आते मिल गए उसके बाद जैसे घंटियाँ बज रही थी तो मैंने पूछा ये किस चीज़ की घंटियाँ बज रही है तो उन्होंने कहा कि अभी क्लास ख़त्म हुई है उसके बाद कर्मना सेवा की घंटी बजेगी उसके बाद नाश्ते की उसके बाद फिर चाय की फिर रेस्ट की ऐसे सारे दिन घंटियाँ बजती है पीरियड जैसे लगती है स्कूल में फिर उसके बाद तो मैं अपने कमरे में चले गए जो कमरा मिला था हमारे को जैसे मैं 12 बजे तैयार होके आया बाहर हिस्ट्री हाल के पास तो बाबा क्यारियाँ ठीक करके आ रहे थे हाथ में कुदाली ली हुई और खड़ा पहनी हुई सफ़ेद धोती सफ़ेद कुर्ता हाइट थी बाबा की साढ़े छः फुट रंग भी गोरा जैसे अंग्रेजों के होते तो जैसे मैं बाबा के पैर छूने लगा तो बाबा ने पैर नहीं छूने दिए बोला बच्चे अभी तुम बालक को आने वाली सृष्टि के मालिक बनोगे मीठे बच्चे लाडले बच्चे प्यारे बच्चे कहा बाबा ने फिर का स्किल दे बच्चे तो मैंने कहा बाबा जी मीठे बच्चे तो मेरे को पता है लाडले बच्चे भी प्यारे बच्चे भी ये स्कील दे बच्चे क्या होते हैं क्योंकि मेरे को पता नहीं था तो बाबा ने समझाया कि बच्चे जो बच्चे गुम हो जाते हैं मेले में और काफ़ी दिनों से मिलते नहीं हैं वो बच्चे हैं तुम तो कोटो में कोई कोई में भी कोई तो ऐसे बाबा ने समझाया कि बहुत मुश्किल से मैंने आपको ढूंढा है तो ये ऐसे है, होते हैं शकीलत बच्चे फिर तो बाबा ने भाकी ली मैंने कहा बाबा आज से श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती हो गई बाबा ने भी कहा हाँ बच्चे आज से दोस्ती हो गई उसके बाद तो फिर दूसरे दिन उस दिन तो दूसरे दिन जैसे क्लास में आए हम तो क्लास में बहुत बड़े बड़े टेप रिकॉर्ड रखे हुए थे हिस्ट्री हॉल में तो एक माइक रखा होता तीन गद्दियाँ थी एक बाबा की एक मामा की एक जिन्होंने अपना अनुभव सुनाना होता था तो जैसे मैंने सोचा कि ये जैसे बाबा कहते हैं कि सृष्टि एक ड्रामा है हम सभी जो एक्टर हैं तो मैंने कहा कि ये कोई ड्रामा पार्टी है और इसमें मेरा भी पार्ट होगा कोई इसी करके मुझे बुलाया है तो उसके बाद जैसे बाबा बैठते अपनी गद्दी पर तो कुछ देर के बाद जो एक रिकॉर्ड बजता है ग्रामाफोन में तो उसमें गीत होता है तू प्यार का सागर है तेरी बूंद के प्यासे से हम उसी के ऊपर फिर बाणी चलती थी जैसे परमात्मा की प्रवेशता शिव बाबा की प्रवेशता होती थी तो बाबा का चेहरा एकदम जो है परिवर्तन हो जाता था थोड़ा चेंज हो जाता था तो जैसे ही बाबा का चेहरा चेंज हो गया तो उसमें पता चलता था कि अभी ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं अभी शिव बाबा बोल रहे हैं मुरली जो है आधा पौना घंटा चलती थी उसके बाद जैसे ही क्लास खत्म होती थी तो पहले बाबा जाते थे उसके बाद फिर क्लास वाले उठते थे जाते समय जैसे एक गीत बजता है कि परमात्मा जैसे सलामी झुक के बाबा तेरी याद आती है तो बाबा ऐसे बच्चों को सलाम करके जाते थे और टाटा बाय बाय करके जाते थे उसके तीसरे दिन जैसे क्लास ख़त्म हुई बाबा ने मुझे हिस्ट्री में बिठाया और एक भाई को बुलाया कि इनको जो है दिलवाड़ा मंदिर दिखा के लाओ तीन थे हम पार्टी में तो जैसे एक भाई आया उनको जैसे बाबा ने समझाया कि ऐसे ऐसे तो साथ में खाना फ्रूट और जो कुछ था वो साथ में दिया हमारे को खाने के लिए जा, जाति भर तो जैसे हम दिलवाड़ा मंदिर देख के आए तो बाबा ने समझाया कि बच्चे क्या देखा तो जो कुछ भी हमने देखा वो बाबा को बताया तो बाबा ने कहा कि बच्चे ये तुम्हारी ही यादगार है तुम्हारी ही मूर्तियाँ हैं जो एक सौ आठ मूर्तियाँ बनी हुई है उसके बाद तो फिर तीसरे दिन मैंने कहा बाबा के क्लास के बाद बाबा ने फिर बिठाया मैंने कहा बाबा मेरे को लिखने का शौक है आप मुझे लिखने को दो कुछ तो बाबा ने एक भाई को बुलाया एक ब्रश दिया पेंट की डिब्बी दी कुछ मैटर दिया लिखने को एक बोर्ड दिया लिखने को तो जैसे मैं लिखने बैठा पेंट पतला था तो जैसे मैं लिखने बैठूं तो पेंट जो है नीचे को बह रहा था तो मेरे पीछे बाबा खड़े सारा कुछ देख रहे थे तो बाबा ने कहा बच्चे पेंट पतला है चलो एक कमरे का सामान दूसरे में रखना है गए हम बाबा के साथ मैं बाबा के साथ गया तो एक कमरे का सामान दूसरे में रखना था कुछ कुर्सियाँ थी मेज़ थे दरियाँ थी कुछ लिटरेचर था कुछ और सामान था आधा पौना घंटा हमने दोनों ने काम किया बीच में मैं थक गया बाबा नहीं थके मैं था अठारह साल का बाबा थे अट्ठासी साल के तो बाबा मेरी बात समझ गए कि ये थक गया है पर मैंने बोला नहीं कि मैं थक गया हूँ तो उसके बाद बाबा ने कहा कि चलो काम खत्म हो गया अब माताएँ बैठी हुई थी चावल छाटने के लिए तो मैं भी और बाबा जी भी बैठ गए चावल माताओं के साथ चावल छाँटने के लिए तो माताएं भी खुश हो गई मैं भी खुश हो गया फिर बाबा ने उठाया मेरे को फिर तो दूसरे तीसरे दिन फिर जैसे क्लास के टाइम जैसे जाते थे आते थे तीसरे दिन बहन जी हमें ले गए बाबा के कमरे में क्लास के बाद बारह बजे का टाइम था तो बहन जी ने पहले समझाया हुआ था बच्चे कि बाबा पूछेंगे कल पहले भी आए तो हमने कहा बहन जी हमें झूठ कैसे बोलेंगे हमने तो पता नहीं भी कल पहले भी आए थे तो नहीं बाबा पूछेंगे जरूर पूछेंगे तो जैसे बाबा ने मुझे गोदी में बिठाया तो पूछा बच्चे पहले भी आए कभी मैं कहा हाँ बाबा कल पहले भी आए थे तो बाबा भी खुश हो गए कि ये जानते हैं उसके बाद तो बाबा की गोदी बिल्कुल नरम और गर्म थी छूटने को दिल नहीं कर रहा था उसी गोदी में बैठे बैठे मैंने कहा बा, बाबा शिमला में भी सेंटर होना चाहिए तो बाबा ने कहा कि हाँ बच्चे शिमला में भी सेंटर होगा शिमला राजधानी है हिमाचल की उसके बाद तो फिर बाबा ने तीसरे दिन बाबा ने पूछा बच्चे निश्चय है बाबा के ऊपर मैं कहा हाँ बाबा सेंट परसेंट निश्चय है तो बाबा ने कहा कि पत्र लिख के ले आना निश्चय पत्थर जैसे दूसरे दिन निश्चय पत्र लिख के गया उसमें नीचे देखा कि साइन नहीं किए हुए थे तो बाबा ने कहा इसमें साइन तो किए नहीं मैंने फिर उसी टाइम पिन ली उंगली से खून निकाला और खून से साइन किए फिर बाबा को बताया हाँ बच्चे अब निश्चय पत्र ये पूरा हुआ कि सेठ परसेंट निश्चय बच्चे को फिर उसके बाद जैसे बाबा ने फिर बताया एक दिन हिस्ट्री हाल में बाबा ने कहा बच्चे आबू रोड से माउंट आबू तक लाइन लगेगी बहुत लोग आना शुरू हो जाएंगे मैंने कहा बाबा अभी तो आपके पास बीस बाईस बहन भाई हैं अभी जो हैं मधुबन में तो इतनी लंबी लाइन कैसे लगेगी तो थोड़ा मैं मुस्कराया पहले बाबा ने कहा हाँ बच्चे लगेगी लाइन लगेगी आज देखते हम आबू रोड तो क्या दिल्ली तक भी वो लाइन लग सकती है उसके बाद तो फिर जैसे बाबा ने सारा कुछ समाचार देता था मैं तो उसके बाद जैसे पंद्रह अगस्त का दिन था एक तो जैसे क्लास खत्म हुई मेरे मन में एकदम आया कि आज पंद्रह अगस्त का दिन है और मैंने स्कूल जाना है मैंने बाबा को कहा कि बाबा मैंने स्कूल जाना है बाबा ने कहा कि अब कौन से स्कूल जाना है ये भी तो स्कूल है जहाँ की ये पढ़ाई हो रही ईश्वरी पढ़ाई हो रही मैंने कह नहीं जहाँ बच्चे प्रोग्राम कर रहे हैं पंद्रह अगस्त का झंडा लहराएंगे प्रोग्राम करते हैं फिर वो परेड करते हैं बच्चे वो देखने मैंने तो भावे ने कहा जाओ बच्चे तो जैसे नक्की लेक के पास पहुँचा नक्की लेक से बैंड की आवाज़ सुनी जैसे उस बैंड की धुन में मैं चलता गया पहले स्कूल ढूंढा तो वहाँ परेड हो रही थी और झंडा लहराया और जन गन का गीत गाया सारा कुछ जो प्रोग्राम देखा मैंने प्रोग्राम देख के जैसे वापस आया तो बाबा ने फिर बैठाया मेरे को बच्चे क्या देखा तो उस टाइम हमारा झंडा नहीं होता था शिव बाबा का झंडा नहीं होता था तो आज से पचास पचपन साल पहले की बात है ये तो बाबा ने कहा कि बच्चे शिव बाबा का झंडा निकलेगा घर घर में झंडा लहराया जाएगा गली गली में झंडा लहराया जाएगा हर एक मोहल्ले में झंडा लहराया जाएगा फिर देश प्रदेश में झंडा लहराया जाएगा विदेशों में झंडा लहराया जाएगा तो उस टाइम विदेशों में भी कोई सेंटर नहीं होता था तो बाबा ने पहले बताया कि विदेशों में भी झंडा सिर्फ बाबा का लहराया जाएगा फिर बताया बाबा ने कि सब धर्म स्थापक जितने भी हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब के झंडे जब एक हो जाएंगे तो इसमें बताया गया कि जैसे सब धर्मों के झंडे एक हो जाएंगे तो शिव बाबा के झंडे के नीचे सब आ जाएंगे तो ये झंडा जब लाल किले पर लहराया जाएगा तिरंगे की जगह तब समझो कि सत्यु की शुरुआत हुई कि हुई तो ऐसे है कि दो बारी तो लहरा दिया लाल किले के, के आसपास क्योंकि 21 जून को जो है योगा डे होता है उसमें दो तीन बारी लहराया गया शिव बाबा का झंडा अब देखो शिव बाबा का झंडा अब थोड़ा ही टाइम है जबकि शिव जब बाबा का झंडा जो है लाल किले पर लहरा जाएगा उसके बाद तो बाबा के साथ पिकनिक की फिर झूला झूला उसके बाद बैडमिंटन भी खेलते थे बाबा के साथ बाबा के साथ सारे दिन काम भी करना जो कुछ भी बाबा बताते थे वो कार्य करते थे हम तो बाबा की देखरेख में हमने जो है बहुत कुछ सीखा उसके बाद तो मैं फिर जैसे बाबा विदाई देते थे तो सभी को लाइन में खड़े करते थे तो लाइन में खड़े करके जो भी सौगात बाबा ने देनी होती थी वो सबको देते थे उसके बाद बादाम मिश्री और काजू ये अपने हाथ से हरे के मुख में डालते थे फिर टाटा बाय बाय करके गो सुन कम सुन का नारा लगाते थे उसके बाद कहते थे कि जल्दी आना और जल्दी जाओ जल्दी आना जैसे बाबा की नज़र बच्चों के ऊपर पड़ती थी तो बच्चों की नज़र भी बाबा के ऊपर पड़ती थी तो जब तक बाबा की नज़रों से ओझल नहीं हो जाते थे तो बाबा देखते रहते थे दूर से हाथ हिलाते रहते थे तो ऐसे बाबा से उसके बाद तो मैं फिर शिमला में आ गया शिमला में भी बाबा से पत्र व्यवहार होता था उस टाइम शिमला में सेंटर नहीं था तो जैसे ही शिमला पहुँचा मैं दिल्ली से तो छोटे भाई ने कहा कि यहाँ भी सेंटर खुल गया है तो देखा जाके सेंटर खुल गया है छोटे से कमरे में एक में जी जलंधर वाले उन्होंने सेंटर खोला था वही दो बहनें वहाँ रहती थी तो जैसे कोई भी सेवा करते थे मैं तो बाबा को चिट्ठी लिखता था तो बाबा का जवाब आता था एक बार दुकान में एक भाई दिल्ली से अज्ञानी तीन चार दिन दुकान में आता रहा उसने मेरा व्यवहार देखा बोलचाल देखी बाबा के प्रति सद्भावना देखी तो उन्होंने कहा कि आप मेरा बेटा बन जाओ मेरे पास प्रॉपर्टी बहुत है तो बाबा को चिट्ठी लिखी कि बाबा एक भाई आता है और ऐसे ऐसे कहते तो बाबा का जवाब आया कि बच्चे किसी के बहकावे में नहीं आना है ये सब ठग होते हैं किसी के चक्कर में नहीं आना आपको शिव बाबा मिल गया बस उसी धुन में रहना है तो जब से परम पिता परमात्मा शिव की याद में ही जीवन में वर्तमान समय मैं शिमला सेवा केंद्र पर रहता हूँ पैंतालीस साल पुराने सेंटर में जो कि गुलमर्ग होटल के साथ ही है उसके बाद अब नया सेंटर बना है बीस साल से तो पंथा घाटी में उसी सेंटर में सेवाएं दे रहा हूँ ओम शांति